छुरी की तरह ही तारक मेहता से निकाले गए थे गुरुचरण सिंह। बोले बिना बताए रिप्लेस कर दिया, मैंने शो नहीं छोड़ा। दोस्तों आपको बता दें, गुरुचरण सिंह ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी बनकर सालों तक दर्शकों को एंटरटेन किया है, लेकिन बाद में वो अचानक शो से गायब हो गए थे। एक्टर गुरुचरण सिंह ने सालों बाद शो छोड़ने की वजह बताई है। उन्होंने खुलासा किया है कि उन्हें मेकर्स ने ठीक उसी तरह से बाहर निकाला था जैसे कि जनी पर मिस्त्री को निकाला गया था। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में गुरुचरण सिंह ने कहा कि उन्हें शो के मेकर्स ने बिना बताए बाहर कर दिया। उन्होंने कहा, तारक मेहता मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि अगर मैं उन्हें फैमिली नहीं मानता तो मैंने उनके बारे में बहुत सी बातें कही होती जो मैंने नहीं कही। 2012 में उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया, मैंने शो नहीं छोड़ा था। गुरुचरण सिंह ने आगे कहा, उस समय डील और समझौते के बारे में कुछ बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो मेरी जगह लेने जा रहे हैं। मैं दिल्ली में था और मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा था और हम तारक मेहता ही देख रहे थे। उस एपिसोड में धर्म पाजी के पास फिल्म प्रमोशन या फिर कुछ और के लिए एक कैमियो था। एक्टर ने आगे कहा, मैंने कहा वाह धर्म पाजी यहाँ है, और उस एपिसोड में उन्होंने नए सोडी को पेश किया। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। मैं इसे अपने माता पिता के साथ देख रहा था और वो बहुत हैरान थे। मेरी जगह लेने के बाद वो बहुत दबाव में थे, यहाँ तक कि मुझ पर भी दर्शकों का काफी दबाव था। गुरुचरण सिंह ने आगे कहा कि शो में उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री को भी मेकर्स ने इसी तरह से रिप्लेस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और तमाम बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।